गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम शॉर्ट आंसर बताए थे, आज हम आप लोगों को लॉन्ग आंसर बताने जा रहे हैं। ठीक है, गिव लॉन्ग आंसर, गिव लॉन्ग आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सिंपल पेंडुलम, व्हाट इज ऑसिलेशन ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एंड व्हाट इज ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम का ऑसिलेशन क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ए सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉल। ठीक है, सस्पेंडेड बाय ए लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। ठीक है, सच दैट द बॉब इज सच दैट द बॉब इज फ्री टू स्विंग swing back and forth। ठीक है, ये मान लिया जाए थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, ये एक रिजिड सपोर्ट है। ठीक है, रिजिड सपोर्ट है या थ्रेड है, ठीक है, मेटल बॉल, दिस इज मेटल बॉल। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो है व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल, सिंपल पेंडुलम जो है वो एक स्मॉल मेटल से बना होता है, स्मॉल मेटल बॉल है ना, जैसे आयरन का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है। ठीक है, सस्पेंडेड बाय ए लॉन्ग थ्रेड है ना, उसको जो है
ये सस्पेंडेड बाय ये लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, ये एक रिजिड सपोर्ट है ठीक है, जिसमें जो है लॉन्ग थ्रेड को इस तरह से एडजस्ट किया गया है ठीक है, और यहाँ एक मेटल बॉल लगाया गया है ठीक है, और इस तरह से सच दैट द बॉब इज इस तरह से लगाया गया है, मेटल बॉब या मेटल बॉल भी बोल सकते हैं ठीक है, मेटल बॉब इस तरह से लगाया गया है कि फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ, मतलब कि ये इधर उधर आगे पीछे इस तरह से घूम जाए, है ना, इस तरह से ये थ्रेड को मतलब लटकाया हुआ है कि ये जब हम इसको ऐसे बैक एंड फोर्थ इस तरह से हम इसको मूव करा सके ठीक है, नेक्स्ट ठीक है। ए पेंडुलम इन पेंडुलम ए पेंडुलम कंप्लीट एवरी स्विंग इज सॉरी इन एग्जैक्टली एग्जैक्टली द सेम टाइम प्रोवाइडेड इट्स लेंथ इज कैप्ट कॉन्स्टेंट पेंडुलम कंप्लीट एवरी स्विंग इन एग्जैक्टली द सेम टाइम, मतलब कहने का मतलब कि जो स्विंग जो इस तरह से करा रहे हैं है ना, ये जो कंप्लीट होने में जो टाइम जो लगता है वो एक स्विंग इन एग्जैक्टली द सेम टाइम ठीक है, बराबर समय लगता है प्रोवाइडेड इट्स लेंथ टू केप्ट कॉन्स्टेंट ठीक है, प्रोवाइडेड इट्स लेंथ इट्स कॉन्स्टेंट, जब तक ये कॉन्स्टेंट नहीं हो तो ये जो है स्विंग कराने में जो है टाइम जो है वो सेम टाइम रहता है ठीक है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम, व्हाट इज ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं वन कंप्लीट टू एंड फ्रो वन कंप्लीट टू एंड फ्रो वन कंप्लीट टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो मूवमेंट मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम ऑफ द ऑफ द पेंडुलम बॉब इज कॉल्ड बॉब इज कॉल्ड एन ऑसिलेशन ठीक है, यानी वन कंप्लीट टू एंड फ्रो है ना, यानी कि वन कंप्लीट टू एंड फ्रो जो यहां पे जो स्टार्ट किए ये जो है इनिशियल पॉइंट है, यहां से जो हम इस तरह से स्टार्ट किए यहां से आया ऐसे फिर यहां पे आया ऐसे ये आया, तो ये जो कंप्लीट जो है एक मूवमेंट इधर उधर जो है कंप्लीट मूवमेंट जो कंप्लीट किया ठीक है ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम के द्वारा जो वन कंप्लीट मूवमेंट जो पेंडुलम के द्वारा पेंडुलम है इसके द्वारा यहां से ऐसे स्टार्ट किया इस तरह से आया ऐसे फिर यहां से ऐसा फिर ऐसे आया यहां पे आया मतलब इनिशियल पॉइंट पे आ गया ठीक है, तो ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन एक जो है पूरा जो है
कंप्लीट किया उसी को बोलते हैं ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। वन ऑसिलेशन कैन बी वन ऑसिलेशन कैन बी काउंटेड स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजिशन एक्सट्रीम पोजिशंस ऑफ द बॉब और फ्रॉम द मीन पोजिशन फ्रॉम द मीन पोजिशन, ठीक है। वन ऑसिलेशन कैन बी काउंटेड, एक ऑसिलेशन को हम लोग काउंट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजिशन। जैसे कहने का मतलब हो गया, जैसे यहां लिए है ना, एक्सट्रीम पोजिशन जैसे है, ये ऐसे लिए एक्सट्रीम पोजिशन, यहां से लिए ऐसे लिए और फिर ये ऐसे चल गया, ये भी हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट किए या फिर जो है फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द मीन पोजिशन। मीन पोजिशन जैसे यहाँ पे मीन पोजिशन है, यहाँ से ऐसे आया फिर ऐसे आया है ना, फिर यहाँ पे ऐसे आया, तो ये जो है वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्टिंग्विश Distinguish between uniform and variable speed with एग्जाम्पल, ठीक है। आते हैं आंसर। यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल स्पीड, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के लिए ए कार मूविंग ऑन द हाईवे, ठीक है, वेरिएबल स्पीड व्हेन ए बॉडी कवर्स कवर्स व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। ठीक है, एग्जाम्पल ए कार मूविंग ऑन ए बीजी मार्केट स्ट्रीट। ठीक है, सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल टाइम, यानी कहने का मतलब है कि टाइम जो है वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया जाए कि इक्वल डिस्टेंस जैसे मान लिया जाए और इक्वल जैसे 1 मिनट या जो हमको 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने में हमको 1 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अगला जो है 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे यानी कि 10 हो जाएगा, 10 मीटर 2 मिनट का समय लगता है, 15 मीटर 3 मिनट, 20 मीटर 4 मिनट। यानी कहने का मतलब है कि हम 1 मिनट है तो 1 मीटर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर 1 मिनट, फिर अगला 1 मिनट में फिर 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो 10 हुआ, फिर अगला मिनट में फिर हम 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो 15 हुआ, फिर अगला 1 मिनट में हम 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर तो 20 हुआ। ठीक है, तो ये जो है टाइम जो है 1 मिनट जो है टाइम लग रहा है, अगला 1 मिनट में 5 मीटर, अगला 1 मिनट में 5 मीटर, अगला 1 मीटर 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, वेरिएबल स्पीड व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, जैसे मान लिया जाए अनइक्वल डिस्टेंस जैसे 5 मीटर है मान लिया जाए, इसको डिस्टेंस कवर करने में 1 मिनट का समय लगता है। ठीक है, फिर जो है अगला जो है 7 मीटर डिस्टेंस कवर में 1 मिनट का समय लगता है। ठीक है, फिर यहां जो है 50 मीटर यहां पे हो गए 3 मिनट। ठीक है, यहां देखिए क्या है अनइक्वल डिस्टेंस, 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने में जो है कि 1 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अगला 1 मिनट में जो है क्या 3 मीटर मतलब 7 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 7 है ना, 5 7 12 हो गया। ठीक है, अगला 1 मिनट जो है 12 3 13 यानी कि 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी क्या टाइम जो 1 मिनट, यहाँ 1 मिनट में जो है 5 किलोमीटर सॉरी
5 मीटर, अगला 1 मीटर जो है 7 मीटर, अगला 1 मीटर में जो है 3 मीटर, यानी क्या टाइम भी इक्वल है लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कभी कर रहा है 5 मीटर कवर कर रहा है, कभी 7 मीटर कर रहा है, तो कभी जो है 3 मीटर के डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो क्या अनइक्वल डिस्टेंस? इक्वल इंटरवल टाइम है लेकिन डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है। फिर है इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि डिस्टेंस फाइव है, आप 10 मीटर हो गया है ना, 15 मीटर मान लिया के लिए यहाँ पे, यहाँ पे टाइम जो है वो 3 मिनट लग रहा है, यहाँ पे हो गया 5 मीटर, ठीक है, यानी कि 6 मिनट हो गया, यहाँ पे 6 ले लिए, ठीक है। जैसे मान लिया जाए 1 मिनट है तो 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगला 5 मीटर डिस्टेंस कवर करें उसको 2 मिनट का समय लग रहा है, यहाँ पे 1 3 3 में 2 मिनट का, अगला जो है 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करें उसको 3 मिनट का समय लग रहा है, यानी कि पहले जो 1 मीटर डिस्टेंस 1 मिनट में जो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और फिर जो है उसको 5 मीटर के डिस्टेंस कवर करने में 2 मिनट का समय लगता है, फिर जो है 5 मीटर के डिस्टेंस कवर करने में 3 मिनट का समय लगता है। तो क्या डिस्टेंस तो इक्वल है लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, ठीक है। सेकंड डिफरेंस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ वेरिएबल स्पीड इज कर्व लाइन, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और कर्व वेरिएबल स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कर्व लाइन होता है। जैसे यहां पे बताया था, हम क्लास ले रहे थे उसमें बताए थे, जैसे मान लीजिए कि यहां पे हम ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिए, यहां पे 0 हो गया, यहां पे 1 में हो गया, इधर टाइम ले लिए, ठीक है, और यहां पे हम डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस ले लिए है ना मीटर में, यहां पे टाइम हो गया मिनट, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये 1 मिनट हो गया, 2 मिनट्स हो गया, 3 मिनट्स हो गया, 4 मिनट्स हो गया, 5 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया, 15 मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया, यानी कि 1 मिनट में जैसे मान लिया जाए कि 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं, अगला 1 मीटर जो है मान लीजिए 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, फिर अगला 1 मीटर जो है 15 का डिस्टेंस कवर करता है, अगला 1 मीटर जो है 20 का डिस्टेंस कवर करता है, इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वेरिएबल स्पीड का जो टाइम जो ग्राफ जो होता है वो कर्व लाइन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ग्राफ ले लिए उसी तरह से है ना, ये टाइम है ना 1 2 3 4, हम टाइम लिया यहां पे 5 मीटर मान लिया जाए, यहां पर मान लिया 10 मीटर मान लिया जाए, यहां पर 15 मीटर मान लिया जाए, 20 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस है
तो ये जैसे यहां पे डिस्टेंस है, और ये जो टाइम है, ठीक है, मान लीजिए कि एक मिनट में जो है वन मिनट में फाइव मीटर डिस्टेंस कवर करता है, अगला जो है वन मिनट में ये टेन मीटर का डिस्टेंस कवर कर जाता है, अगला मिनट में जो है वो फाइव मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। यानी कि टाइम इंटरवल जो वन मिनट है, लेकिन यहां पे अगला मिनट फाइव मीटर, अगला जो है वन मिनट टेन मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर अगला मिनट फाइव मीटर का डिस्टेंस कवर किया, इसका ग्राफ देखते हैं, ये ऐसे किया यहाँ पे, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो ग्राफ क्या है यहाँ पे, ये ग्राफ जो है वो क्या है, एक कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, एक कर्व लाइन है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ वेरिएबल स्पीड, यानी कि वेरिएबल स्पीड का टाइम जो है ग्राफ जो है वो कर्व लाइन होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर क्वेश्चन है, द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 56,361 किलोमीटर, 56,361 किलोमीटर। When the clock shows the time टाइम 7:30 AM व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार covered by the car if at 8 AM the odometer the odometer reading has changed to 56,406 kilometer. Calculate the speed. Calculate the speed of the car in kilometer per minute during this time. ठीक है,
कहने का मतलब कि ऑटोमेटर कार का जो ऑटोमीटर है उस पर 56,361 किलोमीटर शो कर रहा है। वेन द क्लॉक शोज द टाइम 7:30, यानी कि क्लॉक में जब 7:30 AM जो हो रहा है उस समय जो है कार का जो रीडिंग जो है वो ऑटोमीटर का वो फिट इज 56,361 किलोमीटर 7:30 AM। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इफ एट 8 AM द ऑडोमीटर, यानी कि जो समय जो है 7:30 AM हो गया और ऑडोमीटर जो है रीडिंग कर ऑडोमीटर में जो रीड हो जा रहा है वो जो है 56,361 से चेंज होकर के 56,406 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस कवर किया, ये मतलब ये फाइंड करना सबसे पहले कि कितना जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि 7:30 AM से लेकर के 8:30 AM 8 AM में कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है और कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम। और इस समय के दौरान यानी कि जो 7:30 AM से 8 AM में जो है उस समय जो है कार का स्पीड क्या था, स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनिशियल रीडिंग, यानी स्टार्टिंग जो है वो ऑडोमीटर का रीडिंग क्या था। इनिशियल रीडिंग ऑफ द कार इक्वल टू 56,361 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी यहां पे ऑफ ऑटोमीटर हो जाएगा, फाइनल रीडिंग ऑफ ऑटोमीटर इक्वल टू 56,406 किलोमीटर। ठीक है, तो आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इक्वल टू सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इक्वल टू फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। ठीक है, फाइनल रीडिंग क्या है, 56,406 किलोमीटर माइनस इनिशियल रीडिंग 56,361 किलोमीटर। सबट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 से 1 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 10 हो गया, 10 से 6 सबट्रैक्ट करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 से 6 सबट्रैक्ट 0 होगा। ठीक है, यानी कि जो 45 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस कवर किया कार कितना किया, 45 किलोमीटर। ठीक है, अब जो है द टोटल टाइम टेकन total time taken by the car to travel 45 किलोमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 AM माइनस 7:30 AM यानी क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स। ठीक है, यानी कि जो है टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल 45 किलोमीटर, यानी 45 किलोमीटर जो है वो
डिस्टेंस कवर करने में जो है 30 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है कैलकुलेट द स्पीड, ठीक है। एक और भी क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, यानी कि डिस्टेंस जो है वो 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और टाइम जो लग रहा है 30 मिनट्स। 3 से डिवाइड, 6 से 9 से डिवाइड करते हैं, सॉरी ये 3 से 10 3 जा 30 और 15 3 जा 45, 5 से 5 2 जा 10 5 3 जा 15, यानी क्या हो जाएगा 3/2 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। इसको डेसिमल में अगर चेंज करते हैं तो 1.5 किलोमीटर पर मिनट है ना, यानी क्या है यहाँ पर 5 हो गया है ना, 3 हो गया यहाँ पे 2 2 1 जा 2 1, डेसिमल दिया है 2 5 जा 10, यानी कि जो है 1.5 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो डिस्टेंस जो कवर किया है ना वो 45 किलोमीटर हो गया और स्पीड जो हो गया कार का 1.5 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में, थैंक्स।